ડેપ્યુટી સીએમ દિનેશ શર્માએ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી અમદાવાદમાં. ભાજપ અને હિન્દી ભાષી સમાજના આગેવાનોએ દિનેશ શર્માનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને તેઓએ કુંભ મેળા વિશે વાતચીત કરી હતી. યુપીના ડેપ્યુટી સીએમ દિનેશ શર્માએ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી. અમદાવાદમાં ભાજપ અને હિન્દી ભાષ સમાજના આગેવાનોએ દિનેશ શર્માનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. તેમના સાથેની વાતચીત પરથી જાણવા મળ્યું કે તેઓ યોજાનાર કુંભમેળામાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને સાધુ સંતોને આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યા છે અને આ મેળો 250 કિલોમીટરની રેન્જમાં અને 43 કરોડના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં યોજાશે, જે દેશની સૌથી મોટી આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યનો સમન્વય ગણાશે. તેમજ યુનેસ્કોએ તેનો સાંસ્કૃતિક ધરોહરનો આ સ્વીકાર પણ કર્યો છે. તેઓએ વધુમાં યુપીમાં આવનાર સમયમાં યોજાનાર ચૂંટણી વિશે પણ વાત કરી હતી. ઉત્તર પ્રદેશ કે માનનીય મુખ્યમંત્રીજી કે નિર્દેશ પર આજે ગુજરાત છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, ઉપમુખ્યમંત્રી, વિધાનસભા અધ્યક્ષ, નેતા પ્રતિપક્ષ और श्री राज्यपाल, इन लोगों को और कुछ प्रमुख उद्योगपतियों को, मंदिर के महंतों को, समाज के विभिन्न वर्गों को, पार्टी संगठन के लोगों को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया है. आप जानते हैं कि इस बार का जो कुंभ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, लगभग 250 किलोमीटर की रेंज में ये मेला क्षेत्र बनाया गया है. 4300 करोड़ रुपये का इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेले की व्यवस्था है, उसमें व्यय हो रहा है. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक मेला का, एक साथ आस्था का, संस्कृति का और साहित्य का समन्वय का एक केंद्र बनेगा. और यूनेस्को ने इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार भी किया है. तो आज गुजरात में विभिन्न जगहों पर मैं गया और यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है समाज के विभिन्न वर्गों को कि वो लोग हमारे प्रयागराज कुंभ में वो आएँ. और यहाँ पर गुजरात वाइब्रंट का कार्यक्रम 18-19-20 है और 21-22-23 हमारा काशी में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम है. 192 देशों से जो प्रतिनिधि हैं कुंभ में आ रहे हैं और जो प्रवासी भारतीय बनारस में, वाराणसी में जो आएंगे, उनको कुंभ में स्नान के लिए ले जाने की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है. तो आज भी आमंत्रण के नाते यहाँ पर आना हुआ, कल जाऊँगा. देखिए, पूरे देश में आज केवल एक ही चर्चा है, वह है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कामों की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या कोई और जगह. प्रधानमंत्री ने 4.5 साल में काम किया है, आज उसकी तुलना कोई दूसरा नहीं कर सकता. तो ये चुनाव काम और बनाम, काम में अड़ंगा वाले लोगों के बीच में, काम करने वालों के और काम में अड़ंगा लगाने वालों का, काम को रोकने वालों के बीच में चुनाव है. और मोदी जी फिर से भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे. दिव्येश नसीद साथ, एनएस गुजरात न्यूज, अहमदाबाद.